उत्तरकाशी के गंगोत्री विधायक विधायक सुरेश सिंह चौहान डूंडा ब्लॉक के मातली में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें विधायक ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 42 लाभार्थियों को गृह प्रवेश के लिए चेक का वितरण किया। विधायक गंगोत्री सुरेश सिंह चौहान ने कहा कि आज गरीब कल्याण के लिए हमारी सरकार जहाँ घर विहीन परिवारों को घर की चाबी देती है, आवास योजना में 13,000 रुपए की धनराशि व 22,500 मनरेगा से समायोजित कर आवास बनाने के लिए स्वीकृत हुए हैं, जिनमें 42 लाभार्थी परिवारों को गृह प्रवेश के लिए 6,000 रुपए की धनराशि के रूप में चेक वितरित किए। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को खुशियों की सवारी, महालक्ष्मी किट व मातृत्व लाभ योजना के 6,00,000 रुपए की धनराशि चेक के रूप में वितरित किए। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। ये जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जो सोच है कि गांव में कोई भी आवास के बिना न रहे, उसके तहत लगभग 42 अभ्यर्थियों ने जो यहां पर डुंडा ब्लॉक के बरसाली पट्टी में और धनारी पट्टी में जो 42 मकान बन चुके हैं और लगभग 66 मकान बन चुके हैं और जिनके 42 चेक यहाँ पर वितरण किए गए हैं, तो जो मकान बन चुके हैं उसके लिए हमारी सरकार ने 6,000 रुपये गृह प्रवेश के नाम पर उस राशि को वितरित किया है 6,000 रुपये के चेक उन लाभार्थियों को। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो है आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो उनकी सोच है गाँव और ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति आवास ही न रहे, लगातार निरंतर हमारी सरकार इसके लिए गरीबों के उत्थान के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजना चला रही है और जिसके तहत ही कार्यक्रम ग्राम विकास के द्वारा यहाँ पर रखा गया।